इस वक्त हम डॉक्टर अंबेडकर सेंटर में खड़े हैं, जहाँ पे नेशनल एंटी डोपिंग की नेशनल कॉन्फ्रेंस करी गई। और इस वक्त ये स्कूली छात्र हैं जो यहाँ आए थे और एंटी डोपिंग के बारे में अवेयरनेस इन्होंने आज ली है। इनसे पूछेंगे कि ये एज ए खिलाड़ी एंटी डोपिंग से कैसे बचते हैं और इन्होंने आज यहाँ कितना कुछ सीखा। बच्चे, आपका नाम? सर, मेरा नाम विशाल है, मैं बलवंतरा स्कूल JK2 से। सर, मैंने यहाँ सीखा कि सर हमें डोपिंग कभी नहीं लेनी चाहिए। सर, ड्रग जो है वो सबसे बेकार चीज़ है। और सर, मैंने इसके साथ ये भी मैसेज सीखा कि सर जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जब आप इतने हौसले रखते हैं और आज इतने बड़े बड़े लोग आपको मोटिवेशन स्पीच दे के गए, तो इसके बाद अब ऐसा क्या लगता है, कैसा आपको परफॉर्म करना? मेरा नाम बिट्टू है और मैं बलवंतराय मेहता विद्या सेकंड शिफ्ट से हूँ। तो हमें डोपिंग तो लेनी नहीं चाहिए और हमें कहते हैं उसमें फोकस अपने अचीवमेंट्स में करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जितनी मेहनत करेंगे तो इतना हमारी परफॉर्मेंस में कहते आएगा। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके ने क्या सीखा आज? मैंने ये सीखा कि हमें कभी डोपिंग तो लेनी चाहिए, हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपने अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें और अपने स्कूल के लिए, अपने नेशन के लिए मेडल्स ला सकते। आप जब यहाँ आए हैं, आप नेशनल प्लेयर खुद भी रहे, तो डोपिंग कितनी बार देखने को मिलती है, कितने खिलाड़ियों को मिलती है? ऐसे बहुत से केस होते हैं जहाँ पे डोपिंग मिलती है, बट अभी यहाँ तक ऐसे कुछ ऐसे टेस्ट नहीं होते, हाई लेवल पे होते हैं, लो लेवल पे नहीं होते। जो गरीब फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो आगे नहीं आ पाते, और हमें किसी दवाई के ऊपर या किसी ड्रग के ऊपर भरोसेमंद नहीं रहना चाहिए, हमें अपने अपनी मेहनत पर भरोसेमंद रहना चाहिए ताकि हम अपने आप को अपने ऊपर ले जाए, अपने देश के ऊपर ले जाए। आप लोगों के कोच जो हैं वो आप लोगों को कितना कुछ सिखाते हैं डोपिंग के बारे में और कैसा उनकी तरफ से आप लोगों को सपोर्ट मिलता है? हमारे कोच हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि जितने से ज़्यादा जितना हम फिट रहेंगे उतना से ज़्यादा उतना हम खेल पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अपने देश के लिए मेडल ला सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ इनके कोच भी हैं, उनसे पूछेंगे सर आज आप इन बच्चों को यहाँ लेके आए, क्या पर्पज़ था और कितना इन बच्चों को यहाँ से फ़ायदा मिलेगा? मेरा पर्पज़ ये था कि इन बच्चों को पता चले कि हम आपको डॉपिंग नहीं देते तो उसका क्या मकसद है हमारा। यहाँ के आके इन्होंने सीखा कि जो ये हम डॉपिंग करते हैं उससे हमारे शरीर में कितने इफेक्ट्स होते हैं, हम कितना अंदर से। अपने स्कूल में कितने अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं, स्पोर्ट्स में हैं आप, तो इतने बच्चे हैं तो उनको किस तरीके से अवेयर करते हैं? हाँ, अवेयर करते हैं, इसलिए हम इस प्रोग्राम में हम बच्चों को लेके आए हैं ताकि हमारे बच्चे हम जितना अवेयर करते हैं उससे ज़्यादा नेशनल स्तर के लोगों ने यहाँ पर बताया। आपको ये लगता है कि स्कूली जो लिटरेचर है उसमें भी इसको शामिल करना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चा वहीं से सीखता है, तो ये हमारे पाठ्यक्रम में भी होना चाहिए। जो फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम है वहाँ पे कहीं पे भी नहीं है डोपिंग का, ये होना चाहिए। तो ये सभी कोचेज और बच्चे थे जिन्होंने बताया कि एंटी डोपिंग में से बचना चाहिए, एंटी डोपिंग करनी चाहिए, और जो डोपिंग के जितने भी ड्रग्स हैं जो भी चीज़ें हैं उनसे खिलाड़ियों को हमेशा दूर रहना चाहिए। और ये बच्चे यहाँ से यही सीख लेके जा रहे हैं कि आगे ये किसी भी स्तर पर जाए लेकिन डोपिंग का सहारा लेके कभी कहीं नहीं जाएंगे। कैमरा पर्सन अफजल खान के साथ ओम कुमार चले जाए स्पोर्ट्स हेल्पलाइन दिल्ली।